हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और नेम रिएक्शन। यस, दिस रिएक्शन इज ईथर्स विलियमसन सिंथेसिस। तो इसका पूरा नाम है ईथर्स विलियमसन सिंथेसिस। इसको सिर्फ विलियमसन सिंथेसिस भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये नेम रिएक्शन आती है आपकी एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स वाले चैप्टर से। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो बहुत ईजी और एक अच्छी नेम रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, इसमें हमारे पास एक होता है एल्काइल हैलाइड यानी कि RX, एक हमारे पास होगा एल्कोक्साइड RONA। तो ये हुआ नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये है हमारे पास एल्कोक्साइड, ये है एल्काइल हैलाइड, इनकी रिएक्शन कराई जाती है। तो ये बनाते हैं NA और X तो बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा ROR, तो ROR। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है ईथर, और ये है हमारा एल्कोक्साइड, और ये है हमारा एल्काइल हैलाइड। क्लियर है इतनी बात। तो RX प्लस RONA गिव्स ROR, तो ये ईथर बन जाता है। अब ये जो रिएक्शन है वो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों ही आपके ईथर्स को फॉर्म कर सकती है। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स कैन फॉर्म। क्लियर है, इसको लिख सकते हो आप सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स हम दोनों चीजें से बना सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3Cl और यहाँ पर हमने लिया CH3ONA। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब। क्या होगा, एन ए और सी एल बाहर हो जाएंगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए, सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, ठीक है, इसका नाम भी ऐसे पड़ा, ठीक है, सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, तो सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, ठीक है। तो इसका नेम लिख लेते हैं, इतने को हम पढ़ेंगे मिथॉक्सी, एक कार्बन के लिए क्या आ जाएगा मिथेन, तो ये है आपका मिथॉक्सी मिथेन। ये तो IUPAC नेम है, कॉमन नेम क्या होगा, दो मिथाइल दिखाई दे रहे हैं तो आप बोलोगे डाई मिथाइल, दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, कौन सा फंक्शन ग्रुप है ईथर, ये इसका कौन सा नेम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। क्लियर है, समझ रहे हो इतनी बात, ओके। तो ये एल्कीन कैसी है? मतलब ये ईथर कैसा सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करता हूँ तो इस ओके साइड एक सी एस थ्री है, इस ओके साइड एक सी एस थ्री, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल हो, यानी कि यहाँ पे मैंने ले लिया इस बार सी एच थ्री सी एल और ये जो एल्कोक्साइड लिया है, अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं सी एच टू एच फाइव यानी कि सी एच थ्री सी एच टू ओ एन ए, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आयनिक बॉन्ड है इसलिए हमेशा मैं ऐसे दिखा देता हूँ, एन ए और सी एल बाहर हो जाएगा, तो बताइए क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच थ्री। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। नेमिंग कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा इतने का क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी, छोटे वाले ग्रुप के साथ स्किप कर देते हैं मिथॉक्सी, दो कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, इथेन। क्लियर है इतनी बात, मिथॉक्सी इथेन। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, एक है मिथाइल और एक क्या है इथाइल, तो ई पहले आता है या एम, तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, इथाइल यानी कि ई पहले आता है, तो इथाइल, फिर एम से क्या आ जाएगा मिथाइल, और ये क्या आ जाएगा ईथर, तो ये इसका कॉमन नेम है। तो इस बार देखो आप, ओके राइट साइड में एक सी एस थ्री है, लेफ्ट साइड में सी एस टू सी एस थ्री, तो दोनों डिफरेंट हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल ईथर। तो यही बात हम लोग कर रहे थे कि इससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स दोनों को बना सकते हैं। क्लियर हो गई, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या इसके साथ कंडीशंस हैं, कहाँ कहाँ पर ये अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इरेज करता हूँ। हम आगे देखते हैं कि ये किसके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बेस्ट रहेगी, और किसके लिए नहीं रहेगी। तो पहले मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूँ फर्स्ट डिग्री का, कि हमारे पास है सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच थ्री सी एच टू सी एल और हमारे पास है सी एच थ्री ओ एन ए, तो ये हुआ हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या होगा,
ये अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, तब ये सी एल क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, यही हो रहा है रिएक्शन में। तो क्या बन रहा है, तब जाके ये बन रहा है सी एच थ्री ओ, ओ के साथ क्या जुड़ जाएगा सी एच टू, फिर सी एच टू के साथ क्या जुड़ा हुआ है सी एच थ्री, ये एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव बाहर हुआ है, तो क्या बन गया यहाँ से, यहाँ से बन गया आपका एन ए सी एल। तो अब आप लोगों को साफ दिख रहा होगा कि ये कैसी रिएक्शन है, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक बात है। दूसरी बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ओ नेगेटिव आ रहा है, सी एल नेगेटिव जा रहा है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, एन ए पॉजिटिव को हटा के देखो तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब ये एस एन वन है या एस एन टू है, अब आप लोग बताइए। तो एस एन वन एस एन टू में हम क्या कहते हैं कि अगर प्राइमरी है ये फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो क्या होगी, एस एन टू होगी, तो ये एस एन टू मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस हुई है। इतनी बात समझ गए, तो इसका मतलब ओ नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो अगर मैं प्राइमरी की जगह सेकेंडरी ले लेता हूँ, टर्शरी ले लेता हूँ, तो ये ओ नेगेटिव अब डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा, यही बात हम समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, फिर उसको समझते हैं हम। तो ये है हमारे पास सी एच थ्री, फिर मैं आपको इसका एक्सेप्शन समझाऊंगा। ये है सी एच थ्री और ये सी एच थ्री। अब आपने कहा सर ये है हमारे पास थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक बार समझ जाओगे फिर एक्सेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तुम्हें नहीं लगेगा वो एक्सेप्शन है। तुम कहोगे सर ये बात तो हमें पता ही थी, बस हमने एक बार ऑब्जर्वेशन नहीं करी कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसे ही मैं अटैक कराने जा रहा हूँ, ठीक है। सी एच थ्री ओ नेगेटिव, एन ए पॉजिटिव को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इट्स ओके। आपने अटैक करने की कोशिश करी जैसे यहाँ पे की, आपने कहा सर ये कैसे आएगा, इतने बड़े ग्रुप लगे हुए आप क्या कर रहे हैं, ये तो अटैक नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ठीक है नहीं कर सकता तो पहले इसको हटाओ। तो ऐसा तो एस एन वन में होता था कि पहले अटैक नहीं करता था, तो अटैक नहीं करेगा तो क्या बनाएगा, पहले पहले ही बनाएगा कार्बोकैटायन। हमने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई कार्बोकैटायन बना दिया तुमने। तुमने कहा सर ये स्टेप वन हो गया, एस एन टू का मतलब यही होता था, ठीक है सॉरी एस एन वन कि दो स्टेप होते थे, पहले कार्बोकैटायन बनता था। आपने कहा सर थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। मैंने कहा ठीक है ये स्टेप तो हो गया, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग। अब उसके बाद आपने कहा सर अब अटैक कराते हैं किसका, सेकंड स्टेप, ये याद रखिएगा सेकंड स्टेप है। किसको लेके आते हैं, अब लेके आते हैं हम अपने न्यूक्लियोफाइल को सी एच थ्री ओ नेगेटिव को। अब आपने कहा सर अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये प्लस खाली पड़ा हुआ है ये आके अटैक कर लेगा। मैंने कहा नहीं, अब मैंने तुम्हें याद दिलाया कि ये न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन न्यूक्लियोफाइल से अच्छा ये क्या होता है, बेस। यस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट इवन बेस, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो मैं कई बार अपने लेक्चर्स में तुम लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं कई तरह के, वो बेस और जैसे OH नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और बेस भी होता है। तो मैंने कहा है हमेशा कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होती हैं। तो अगर बेस को कोई H पॉजिटिव मिल जाए, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए, यानी कि H पॉजिटिव कहीं से वो निकाल सकता है, तो वो सबसे पहले H पॉजिटिव को निकालेगा, वो कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही इस पर प्लस चार्ज आया, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन निकलने के लिए तैयार है, यानी कि ये हाइड्रोजन क्या हो गए, एसिडिक हो गए हैं। ये देखो तो यहाँ पे लिख दोगे कि ये प्रोटॉन्स ये हाइड्रोजन क्या हो गए, एसिडिक हो गए हैं। तो एसिडिक हो गए और ये अच्छा बेस है, तो ये इस हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो अगर ये इस हाइड्रोजन को निकाल देगा तो क्या स्टेप बनेगा, देखो बहुत ध्यान से समझना है, फिर तुम्हें याद कर लेना है कि क्यों हुआ ऐसा। तो आपने कहा सर H पॉजिटिव चला गया, तो इस पे तो पॉजिटिव था ही, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ठीक है नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, मैंने अलग अलग स्टेप दिखा दिए हैं, तो ये डबल बॉन्ड CH2। तो क्या करने गए थे आप तो ईथर बनाने गए थे, लेकिन ईथर नहीं बना, क्या बन गया, एल्कीन्स बन गया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स अगर हम लेते हैं, ध्यान रखिएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स अगर हम लेते हैं तो ये बेटर है। अगर हम थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, अल्काइल हैलाइड्स पे ध्यान रखिएगा, अगर हम थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं तो हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, किस नतीजे पर पहुँचते हैं कि क्या बन जाते हैं, एल्कीन। कोई आंसर पूछेगा आपसे तो आप कहोगे कि सर हमने पहले अटैक कराने की कोशिश करी क्योंकि वहाँ तो एस एन टू हो गई थी, लेकिन थर्ड डिग्री में तो एस एन वन होती है। तो आपने कहा सर पहले कार्बोकैटायन बनेगा, फिर मैंने पूछा अब क्या दिक्कत आई अटैक करने में, तुमने कहा सर ये बहुत अच्छा बेस था, इसने देखा एसिडिक हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन लेके चला गया और डबल बॉन्ड बन गया, यानी कि कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हुई सर, इस बार हो गई है
एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहां पे लिख लोगे, यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे हो जाता है एलिमिनेशन, इज दैट क्लियर? एलिमिनेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिएक्शन देके पूछी गई है, और पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं बताता हूँ कि अगर हम बनाना चाहें इस टाइप का इथर, अगर हम बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया, ओके। चलिए तो अब हम देखते हैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली हमें ये आ रही थी कि जब हम थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहे थे, हम उस तरह का इथर बनाना चाह रहे थे, यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल इथर अगर हम बनाना चाह रहे थे, तो हमने देखा वहाँ एलिमिनेशन हो जा रहा था। तो अब हम उसको बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, तो वो देखते हैं। तो दिक्कत ये आ रही थी कि हम थर्ड डिग्री ले रहे थे अल्काइल हैलाइड, इस बार हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा बेस है उसको थर्ड डिग्री ले लेते हैं, उसको हम बल्कि ले लेते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको हम ले लेते हैं CH3Cl। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो ये हो रही थी कि इसको अटैक करना था इसके पास जाके, यहाँ पे हम बड़े ग्रुप ले ले रहे थे तो ये अटैक कर नहीं पा रहा था, फिर एलिमिनेशन हो जा रहा था। तो हमने कहा कि इसको बड़ा ले लेते हैं, इसको छोटा ले लेते हैं, तो ये चला जाएगा इसके पास, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो कैसा है, प्राइमरी है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब ये नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पर, और ये Cl बाहर चला जाएगा। तो अब आसानी से यहाँ पर हमारा पास बन जाएगा प्रोडक्ट SN2 मैकेनिज्म के थ्रू CH3 CH3 O CH3। क्लियर हो? देख लो ध्यान से, O के साथ CH3 जुड़ गया, NaCl आउट हो गया यहाँ से। नेमिंग कर लोगे 1 2 3, तो 2 पे आपके पास मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, 2 पे मिथॉक्सी है आपके पास, 2 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन के लिए क्या है, प्रोपेन। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, फिर भी इसका नेम ए होगा। इतनी बात समझ गए तुम लोग? ठीक है, तो यहाँ से तुम लोगों को समझ में आ गया कि अगर हमें ये प्रोडक्ट बनाना हो तो हम एल्कोक्साइड को चेंज कर सकते हैं, टर्शरी हम एल्कोक्साइड ले सकते हैं, देन ये रिएक्शन हम इजीली कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, सीखें। ठीक है, RX+RONA RO तो सबको याद रख सकता है, पहला एग्जाम्पल रख के भी सब याद रखते हैं। असली अप्रोच जो है इसके बाद का है। ठीक है, तो जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो उस तरह से करने हैं। तो अगर बोर्ड एग्जाम में सीधे इथर्स विलियमसन सिंथेसिस लिखने के लिए आती है तो डेट्स ओके, क्योंकि वहाँ पे तो 1 मार्क्स की आती है, तो 2 मार्क्स की भी आ जाएगी, तो तब आपको थोड़ा रिसिफ्ट करना पड़ेगा। वैसे 1 मार्क्स की आती है, तो वहाँ पर आप लोग सीधे सीधे कोई नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अलग से, ठीक है, NCERT में भी क्वेश्चन है कि इसको कैसे बनाया जा सकता है, कि उसमें क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो हर तरह से क्वेश्चन है। तो बेसिकली सीखना तो है ही पूरा। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ रिएक्शन सीख लेते हैं, यार कहाँ आएगा हमारे इसमें बोर्ड में। तो बोर्ड में NCERT में ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप लोग सीखें। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।